मेरी आवाज सही से आ रही है? और जो मैं बोल रही हूँ वो समझ में भी आ रहा है ना बेटा? हाँ, वेरी नाइस। तो नाउ हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सी डब्ल्यू ओ डेट दिया एंड वी हैव रिटन द नेम ऑफ द चैप्टर एट द टॉप। देयर आफ्टर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन इज वेयर इज सारिका सिटिंग। सारिका कहाँ बैठी है? सारिका इज सिटिंग इन द पार्क। वेरी नाइस, सारिका इज सिटिंग इन द पार्क। सारिका पार्क में बैठी है। नाउ चलिए, जिनके पास बुक है ओके बेटा अब आप म्यूट हो जाइए। नाउ मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा, आप में से जिनके पास बुक है ना, दे विल नोट द क्वेश्चन फ्रॉम देयर बुक। वो आपकी बुक से ही नोट करना। जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन से देखकर नोट करेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है बेटा, व्हाट डज सारिका सी इन द पार्क। व्हाट डज सारिका सी इन द पार्क। सारिका को पार्क में क्या दिखा? तो अंकित कुमार शर्मा, खुद को अनम्यूट करो अंकित। अंकित कुमार शर्मा, अंकित कुमार शर्मा, अंकित, हाँ अंकित, वेरी गुड बेटा अंकित। चलो इस सवाल का जवाब दो तो, व्हाट डज सारिका सी इन द पार्क। पार्क में सारिका को क्या दिखा? वेरी नाइस। तो इसको सेंटेंस में कैसे बोलेंगे बेटा? नहीं आता है। हाँ तो चलो अभी हम लोग इसका आंसर फाइंड करते हैं। सारिका, सारिका स्पेशल नेम है ना, तो इसका एस कैपिटल, सारिका, एस ए आर आई के एस, सारिका सीज, एस डबल ई एस सीज, एस एन ए के ई स्नेक, इन आई एन एन टी एच ई डी पी ए आर के पार्क। सारिका सीज अ स्नेक इन द पार्क। सारिका को क्या दिखता है? स्नेक। सारिका सीज स्नेक इन द पार्क। सारिका ने पार्क में एक स्नेक देखा। नोट, सारिका सीज अ स्नेक इन द पार्क। सारिका सीज अ स्नेक इन द पार्क। सारिका को पार्क में स्नेक दिखा। सारिका सीज अ स्नेक इन द पार्क। सारिका को पार्क में स्नेक दिखा। सारिका सीज, एस डबल ई एस सीज, ए स्नेक इन द पार्क। सारिका को पार्क में एक स्नेक दिखा। क्वेश्चन नंबर वन, वेयर इज सारिका सिटिंग। सारिका कहाँ बैठी हुई है? सारिका इज सिटिंग इन द पार्क। सारिका पार्क में बैठी हुई है। व्हाट डज सारिका सी इन द पार्क। सारिका सीज अ स्नेक इन द पार्क। सारिका पार्क में स्नेक देखती है। नाउ नंबर थ्री, हु ड्रॉप, किसने गिराया द जेम इन द पार्क। उस जेम को पार्क में, जेम पार्क में किसने गिराया? हु ड्रॉप द जेम इन द पार्क। पार्क में जिम किसने गिराया? दीपराज सिन्हा। दीपराज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। दीपराज, हाँ बेटा चलिए, हु ड्रॉप द जिम इन द पार्क। पार्क में जिम किसने गिराया? पार्क में स्टोरी हमने पढ़ी थी ना, स्पार्क इन द डार्क।
उसमें पार्क में एक कीमती पत्थर, जेमिन क्या होता है, कीमती पत्थर होता है ना, हीरा। हाँ, उस पार्क में वो हीरा किसने गिराया था, वो जेम किसने गिराया था? स्नेक ने। चलो दीप राज, मैं जब पढ़ाती हूँ तो ध्यान से सुनिएगा आप, ओके? अभी आप सुनो, अभी मुझे दीक्षांत को ये करना। दीक्षांत खुद को अनम्यूट कीजिए बेटा। दीप राज आप म्यूट हो जाइए। दीक्षांत, दीक्षांत, हाँ बेटा, आपने स्टोरी कल पढ़ी थी ना। दीक्षांत आप बताइए, हु ड्रॉप द जेम इन द पार्क, पार्क में वो जेम किसने गिराया था बेटा? क्या बोली, हु ड्रॉप द जेम इन द पार्क, पार्क में वो जेम किसने गिराया था? स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी थी ना, सारिका पार्क में बैठी थी, उसने हिस की आवाज सुनी। हाँ, तो फिर पार्क में, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ नहीं बेटा, एन आउल, एन आउल, एन आउल ड्रॉप द जेम इन द पार्क। दीपराज आवाज जा रही है बेटा आपको, किसने गिराया था? आउल ने पार्क। हाँ हाँ, नहीं बोलना है, ध्यान भी देना है क्या पढ़ रहे हैं, ओके बेटा? तो देखो निशिता ने लिख कर जवाब दे दिया, आउल, वेरी गुड। चलो, आउल ने जेम गिराया था, हु ड्रॉप्स द जेम इन द पार्क, सो द आंसर इज एन आउल, एन आउल, एन आउल ड्रॉप्स द जेम इन द पार्क, एन आउल ड्रॉप्स द जेम इन द पार्क, ओके, एन आउल ड्रॉप्स द जेम इन द पार्क, एन आउल ड्रॉप्स द जेम इन द पार्क, हु ड्रॉप्स द जेम इन द पार्क, एन आउल ड्रॉप्स द जेम इन द पार्क, पार्क में उस जेम को एक आउल ने गिराया था, एक उल्लू ने गिराया था। पलक लिखो बेटा, एन आउल ड्रॉप द जेम इन द पार्क, एन आउल ड्रॉप द जेम इन द पार्क। Now see the last question. Last question क्या है? What does the queen give to Sarika? जब सारिका के मम्मी पापा पार्टी से रिटर्न होते हैं तो सारिका अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा, मम्मी पापा को एक साथ क्या बोलते हैं, पेरेंट्स, तो सारिका अपने पेरेंट्स को क्या दिखाती है? वो जेम जो उसे पार्क से मिला था। फिर मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि अरे ये तो क्वीन का जेम है। फिर वो उसे लेकर क्वीन के पास जाते हैं, क्वीन बहुत हैप्पी होती है, ओके? और इसके बदले में क्वीन सारिका को क्या देती है? व्हाट डज द क्वीन गिव टू सारिका, व्हाट डज द क्वीन गिव टू सारिका। चलो त्रिजा,
रीजा खुद को अनम्यूट कीजिए बेटा। रीजा हाँ रीजा, दीप राज आपने खुद को म्यूट नहीं किया, म्यूट कीजिए। रीजा व्हाट डज द क्वीन गिव टू सारिका, रानी जो है वो सारिका को क्या देती है? क्या फिश? कौन से फिश? शार्क। और वो शार्क क्या था? सचमुच की शार्क देती है, रियल शार्क देती है बेटा। वो से क्या देती है? टॉय शार्क, वो टॉय था ना। हाँ टॉय शार्क। सो द आंसर इज द क्वीन। गिव अ टॉय शार्क टू सारिका। और देखो बेटा, मैम जहां जहां सारिका लिख रही है ना, सारिका स्पेशल नेम है, तो सारिका का एस कैपिटल है। ओके, सारिका का एस कैपिटल है। द क्वीन गिव्स अ टॉय शार्क टू सारिका। द क्वीन गिव्स अ टॉय शार्क टू सारिका। नाउ द क्वीन गिव्स टॉय शार्क टू सारिका। क्वीन सारिका को एक टॉय शार्क देती है। ओके, द क्वीन गिव अ टॉय शार्क टू सारिका। अब चलिए एक बार फिर से हम शुरू से क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ओके, सबसे पहले कॉपी पे सी डब्ल्यू और डेट डालेंगे, चैप्टर नेम लिखेंगे और उसके बाद आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज सारिका सिटिंग, सारिका कहाँ बैठी है? सारिका इज सिटिंग इन द पार्क, सारिका पार्क में बैठी है। व्हाट डज सारिका सी इन द पार्क, सारिका पार्क में क्या देखती है? सारिका सीज अ स्नेक इन द पार्क, सारिका एक सांप देखती है पार्क में। हु ड्रॉप्स द जेम इन द पार्क, पार्क में जेम किसने गिराया? एन आउल, एन आउल ड्रॉप्स द जेम इन द पार्क, पार्क में आउल ने जेम गिराया। व्हाट डज द क्वीन गिव टू सारिका, क्वीन सारिका को क्या देती है? द क्वीन गिव अ टॉय शार्क टू सारिका, क्वीन सारिका को टॉय शार्क देती है। ओके, जिन बच्चों के पास बुक है वो क्वेश्चन बुक से नोट करेंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन स्क्रीन से देखकर नोट करेंगे। स्क्रीन से तो आंसर तो सबको नोट करना ही है। अगर आपको मेरी आवाज साफ जा रही हो, स्पेलिंग प्रॉब्लम नहीं हो, तो आप मेरी वॉइस से सुनकर भी आप लिख सकते हैं। ओके, सेंटेंस जब भी स्टार्ट करेंगे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे बेटा। सारे सेंटेंसेस मैम ने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किए हैं। क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे, आंसर के लास्ट में फुल स्टॉप देना नहीं भूलेंगे, और नीट क्लीन राइटिंग में लिखेंगे। ओके,